कच्चा बादाम, ओह कच्चा बादाम। ये गाना सुनते ही आपके दिमाग में एक लड़की की तस्वीर बन गई होगी जिनका नाम है अंजलि अरोड़ा। अब इस गाने ने अंजलि को फेमस कर दिया है या अंजलि ने ही इस गाने को फेमस किया है, ये तो आप लोग ही जाने। लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि आज अंजलि अरोड़ा को इतना फॉलो किया जाता है जितना बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को भी नहीं किया जाता है। ये सुनकर आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर उनमें ऐसा क्या टैलेंट है और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी पहचान बना ली। तो दोस्तों आप बिल्कुल ना हो परेशान, क्योंकि आपके दिमाग में चल रहे सवालों के बवालों को हम करेंगे दूर और बताएंगे आपको अंजलि अरोड़ा की पूरी लाइफ स्टोरी के बारे में। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों अंजलि 3 नवंबर 2000 में पंजाब के एक अरोड़ा परिवार में पैदा हुई थी। अंजलि बचपन से ही इतनी क्यूट लगती थी कि मोहल्ले वाले अक्सर उनसे खेलने के लिए आ जाते थे। अंजलि एक बहुत ही रईस फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके परिवार में उनके पापा और एक बड़ा भाई है जिसका नाम अभिषेक है। उनके परिवार के सभी लोग अंजलि के साथ अक्सर रील्स में दिखाई भी पड़ते हैं। वैसे अगर उनके चाचा चाची और बाकी परिवार वालों को जोड़ा जाए तो उनकी फैमिली बहुत बड़ी है। उनकी पूरी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है और उनके हर काम में उनका सपोर्ट करती है। अंजलि को जानवरों से बहुत प्यार है और आपने उनके बहुत से वीडियोस में उनके पेट डॉग को जरूर ही देखा होगा। अंजलि भले पंजाब में पैदा हुई हो लेकिन अब वो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी है। अगर अंजलि के एजुकेशन की बात करी जाए तो उन्होंने अपनी स्कूलिंग तो पंजाब के गुरु हरकिशन स्कूल से करी थी, लेकिन ग्रेजुएशन करने के समय वो दिल्ली आ गई और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने लगी। बचपन से ही अंजलि को डांसिंग और एक्टिंग का बहुत शौक था। अंजलि ने अपने ग्रेजुएशन के दिनों में ही मॉडलिंग शुरू भी कर दी थी। उन्होंने 2017 में ही इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उस समय वो उस पर इतना ज्यादा एक्टिव नहीं थी और ज्यादा पोस्ट भी नहीं करती थी। अगर उनके टिकटॉक करियर की बात करें तो उन्होंने भले ही अपने एक लाइव वीडियो में ये कहा हो कि उन्होंने सिर्फ एक साल में टिकटॉक पर कामयाबी पा ली थी, लेकिन हमने अपने रिसर्च से ये पता लगा लिया है कि उनकी ये बात पूरी तरह झूठ थी, क्योंकि अंजलि ने 2018 में ही टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था और ये था उनका वो पहला वीडियो। चाय पीगा, चाय बना दो, अदरक डाल दो, लहसुन डाल दो, प्याज डाल दो, और क्या कह रहे हो, जिसमें वो लिपसिंग करती नजर आ रही हैं। लेकिन उस समय उनका कोई भी वीडियो वायरल नहीं हो रहा था और उन पर कोई खास व्यू भी नहीं आ रहे थे, लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी और वीडियोस बनाने में लगी रही। धीरे धीरे उन्होंने 1500 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो अपने करियर के स्टार्टिंग के दौरान से ही टिकटॉकर मंजुल खट्टर को बहुत पसंद करती थी, वो उन्हीं की तरह मशहूर भी होना चाहती थी। हालांकि 2019 में भी उनको कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके 1,00,000 फॉलोवर जरूर कम्प्लीट हो गए। और फिर साल आया 2020, जब सारी दुनिया के लोग कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से अपने घरों में कैद हो गए। जब हम सब अपना काम छोड़कर खाली बैठे थे, तब अंजलि ने अपना वीडियोस बनाने का काम और तेज कर दिया और उनके वीडियोस वायरल होने लगे। उन्होंने 2020 में ही 5 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे, तो आपको बता दे कि अभी तक अंजलि नॉर्मल वीडियोस बना रही थी जो कि सभी टिकटॉकर्स कर रहे थे, लेकिन अंजलि ने वीडियोस बनाने का एक नया तरीका अपनाया और अपने ज्यादातर वीडियोस को शीशे के सामने शूट करना शुरू किया। शीशे के सामने उनका क्यूट सा फेस और ऊपर से गजब के एक्सप्रेशन के साथ साथ उनका सेक्सी फिगर भी दिखाई पड़ता था, जिसे देखकर लोग अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पाते थे। इसी बीच अंजलि ने कच्चा बादाम गाने में गाने पर एक रील बनाई। वो रील इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उन्हें कच्चा बादाम गर्ल के नाम से ही जाना जाने लगा। कच्चा बादाम वीडियो से मिली सक्सेस के बाद अंजलि को हिम्मत मिली और फिर वो लगातार वीडियो बना दी गई। अंजलि इतनी पॉपुलर हो गई कि उन्हें कंगना रनौत के शो लॉकअप का हिस्सा बनने का मौका मिला। इस शो में मशहूर कॉमेडियन मुनावर फारूकी से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उनके बीच की केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई। अंजलि शो नहीं जीत पाई, लेकिन विनर से ज्यादा पॉपुलरिटी हासिल कर ले गई।
अंजलि के म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही अंजलि का सजना है मुझे सॉन्ग रिलीज हुआ था, जो कि काफी हिट हुआ था। अंजलि के इंस्टाग्राम पर 12.7 मिलियन फॉलोवर्स हैं और 4 लाख से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं। अंजलि का पहले का टिकटॉक और इंस्टाग्राम यूजर नेम अंजलि अरोड़ा था, लेकिन बहुत सारे फेक अकाउंट बनने के कारण अंजलि ने यूजर आईडी का नाम अंजी मैक्सो ऑफिशियल रख लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंजलि के कुछ MMS भी लीक हो चुके हैं, जिन्हें अंजलि ने फेक बताया है। आप अंजलि की भले ही तारीफ करें या बुराई करें, लेकिन एक बात तो तय है कि आप इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और उनकी ये खासियत एक दिन उनके बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस बनने के सपने को जरूर पूरा करेगी। तो ये थी कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा की स्टोरी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।